संघ और भारतीय जनता पार्टी की कवायद है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और भाजपा का गठबंधन बने। संघ चाहता है कि उत्तर प्रदेश में सब वह दल जो हिंदुत्ववादी हैं या जिनको हिंदुओं का वोट जाता है वह एक साथ आएं, जिससे कि हिंदू वोट बैंक बटे नहीं। अगर संघ और भाजपा की यह कवायद पूरी हुई तो उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल होगी। इसे यूँ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा। बसपा ने जब भी भाजपा से समझौता किया है तो उसे बड़ा फायदा हुआ है और यहाँ पर सीधे उसे उप प्रधानमंत्री पद का न्योता भाजपा से मिल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो बसपा के लिए समझौता करना कठिन नहीं होगा। ईटीवी के लिए आलोक त्रिपाठी, लखनऊ। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। ऐसे में वह किसी भी दल के साथ गठबंधन कर 2019 का चुनाव लड़ना चाहती है ताकि उसका अस्तित्व बचा रहे। वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ यह चुनाव लड़ती है तो उसे डर है कि उसका मतदाता कहीं उन दोनों दलों के साथ ना खिसक जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ज़्यादा बेहतर समझ रही है, क्योंकि बसपा का जब जब गठबंधन भाजपा से हुआ है तो उसकी तरक्की हुई है, उसे फायदा हुआ है। इस आगामी लोकसभा चुनाव में भी बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी यह चाहती है कि वह सोशल इंजीनियरिंग बसपा के साथ मिल करके नया सोशल इंजीनियरिंग एक खड़ा करे और उससे 2019 का लोकसभा चुनाव फतह हो सके ताकि प्रधानमंत्री मोदी को पुनः कुर्सी पर स्थापित किया जा सके। लखनऊ से ईटीवी के लिए दिलीप शुक्ला।